अरे यार, मैं कितने दिनों से कह रहा हूँ ये कील निकाल दो निकाल दो, लेकिन ये आदमी कसम खा लिया है जब तक मेरे तरबूज ना फट जाए ना तब तक ये कील निकाल नहीं सकता है। हे इधर सुनो, हमारा काम है अपराधी बुलाना, कील निकालना नहीं। तनिक यहाँ रोई के बैठ जाओ ना। कहाँ, इसके ऊपर बैठ जाए? क्या बताए, ऐसे गिने चुने आदमी हमारे साथ हैं। अरे यार, तुम लोग खड़े क्यों हो? कैदी वैदी बुलाओ। अरे कैदी पहले से है, आपको लड़ाई से फुर्सत मिले तब देखोगे ना। ये क्या कैदी खड़ा है? ए इधर देखो, ये कैदी है। आपको जादूगर लग रहा है? अरे कैदी है कि बंदर? ए मेरा मजाक ना उड़ाना। ए तुम कार्रवाई शुरू करो। तो दोस्तों, IPL तो आप सभी लोग देख रहे होंगे, लेकिन IPL देखने के साथ साथ लूडो 365 पर आप अपनी ओपिनियन शेयर करके बहुत ही अमेजिंग प्राइज जीत सकते हैं। यहाँ पर आपको 50 से ज्यादा क्रिकेट से जुड़े सवाल मिल जाएंगे, जैसे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और हाँ, रजिस्ट्रेशन करते वक्त लूडो 365 पर 365 रुपीज मिलेंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। यहाँ पर आपको 1-to-1 कस्टमर केयर सर्विस आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। आप आराम से अपने किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं। यहाँ पर 10 मिलियन से ज्यादा यूजर ऑलरेडी लूडो 365 पर खेल रहे हैं और रोज कोई ना कोई अमेजिंग प्राइज जीत रहे हैं। और हाँ, यहाँ पर क्रिकेट के साथ साथ 200 से ज्यादा और भी गेम अवेलेबल है, जहाँ पर आप कुछ आसान सवालों का जवाब दे के अमेजिंग प्राइज जीत सकते हैं। लूडो 365 जो है, बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल और नेहा शर्मा जैसे बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों ने प्रमोट किया है और वो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो प्लीज अपना टाइम यहाँ वहाँ वेस्ट मत करो, जाओ रजिस्टर करो लूडो 365 को, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कर दिए हैं। तो बेटा PK, मुझे जानते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, आपके पापा एक सीधा साधा आदमी थे, लेकिन आप एक नंबर के निकम्मा झूठा झूठा बोल बोल कर लोगों से ठगते हो, झूठा गवाह बनाकर केस जीतते हो। आपसे तो सारे लोग परेशान है, यहाँ तक कि आपकी बीबी भी आपसे परेशान होके आपको छोड़ के भाग गई। आड़ा आड़ा। अरे अबे, तू तो मेरा पूरा पोली खोल दिया बे। अरे बहुत हंसी आ रही है, रुक तेरी तो। और बेटा PK, इन्हें जानते हो? अरे सर, मैं किनको जानता नहीं हूँ। अबे सुअरों, कहीं मेरे बारे में ना पूछ लेना। इधर सुनो, ये रामू काका के लड़के हैं, इनके पापा अपने पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर इनको पढ़ाया लिखाया और इन्होंने एक अंक नहीं सीखा। इन्होंने सारी उम्र सिर्फ लड़कियों के चक्कर में, और हाँ आपको बता दूं, इनका चक्कर आपके बहू से भी है। अरे आर्डर आर्डर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ केस लड़ने आए हो या जनगणना करवाने? और जज साहब को जानते हो? साड़ा खबरदार, तुम दोनों वकीलों में से अगर किसी ने इस बंदर छाप से मेरे बारे में पूछा तो बिना जुर्म के अंदर कर दूंगा। I'm sorry my lord। तो जज साहब, आपको ये कटघरे में खड़ा ये बंदर जैसा आदमी दरअसल एक चोर है। इसने एक हफ्ते में लगभग 10 चोरियां किया है। क्या? ए इधर देखो, क्या सच में तुमने एक हफ्ते में 10 चोरी की है? हाँ हाँ जज साहब, हाँ क्या करूँ ना, पुरानी आदत है जज साहब, मैं बचपन से ही बहुत मेहनती हूँ। अरे हमरे और का देख रहे हो, अपराधी उधर उधर देखो। नहीं नहीं, तुम हंस लो हंस लो। अरे अब हंसने भी नहीं दोगे का? नहीं नहीं, हंसो हंसो, जब महीने का तनख्वाह मिलेगा ना तब मैं हंसूंगा। और माय बाप हद तो तब हुआ जब इसने पूरा बैंक लूटा। क्या, ये बंदर छाप बैंक भी लूटा है? बैंक लूटने वाले PK को फ्लावर समझे हो क्या? ऑलराउंडर, चोरी करने वाला फायर हूँ मैं। अबे चुप, पुष्पा की नकली औलाद, अपराधी घोषित करके जंगल में डलवा दूंगा, पूरी जिंदगी सुअर कहीं का चंदन की लकड़ी काटना। चल तू ये बता, पुलिस से कैसे पकड़ा गया? अरे माई बाप,
अब मैं क्या बताऊं, बैंक लूटने के बाद वहीं मैं बैठ के पैसा गिनने लगा। बस उतने में ही पुलिस वाले आ गए और पकड़ लिए। अबे तो तू हो भट्ट गंवार। कैसे? अबे बुरबक, तुझे भाग जाना चाहिए था, वहां बैठ के पैसे गिनने की क्या जरूरत थी। अरे माई बाप मैं भाग जाता, लेकिन वहां पर लिखा था कि काउंटर छोड़ने से पहले पैसे जरूर गिन ले। फिर क्या, मैं वही बैठ के पैसे गिनने लगा। वही तो कह रहा हूँ बेटा, तू यही गलती किया, वहां तुझे बैठ के पैसे नहीं गिनने चाहिए थे। अरे माई बाप आप क्या कह रहे हैं, आप इसे सजा दे रहे हैं या चोरी करना सिखा रहे हैं? माई बाप मुझे रिहा कर दीजिए ना प्लीज। क्या रिहा? कहीं ये तेरा पहला चोरी है? जी नहीं माई बाप, मैं अक्सर चोरी करते रहता हूँ, जेल आते जाते रहता हूँ, परंतु ये मेरे वकील का पहला मुकदमा है। ओ अच्छा अच्छा, तो बेटा चलो वादा करो, आगे कभी बैंक नहीं लूटोगे, ना ही कभी आगे से जेब काटोगे। माई बाप मैं वादा करता हूँ, मैं कभी भी आगे से जेब नहीं काटूंगा, बल्कि मैं पीछे से जेब काट लूंगा। क्या? अरे इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। अरे वकील जी, कौन है वो? ए कौन है बे तू? इंस्पेक्टर साहब मुझे एक रिपोर्ट लिखानी है। अबे ये पुलिस स्टेशन नहीं है, ये कोर्ट है। कोर्ट? क्या कोर्ट है? सॉरी माई बाप, मैं समझाया पुलिस स्टेशन है। क्या करूं माई बाप, मेरी बीवी गुम हो गई है, उसी के मारे पागल हो गया हूँ, कहाँ जाऊँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे क्या आदमी है यार, बीवी के गुम होने से खुशी मना रहा है? अरे तुम क्या खड़े खड़े उससे बातें कर रहे हो, निकालो उसको बाहर। अरे जस्सा गुस्सा आ रहे हैं, बाहर चलो। ये जो अपना खुशी है ना, चल के बाहर दिखाओ, वरना बिना किसी गुनाह के अंदर कर देंगे। चलो 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 बाहर चलो। क्या बता, ऐसे गिने चुने आदमी दुनिया में पड़े हैं, बेबी के गुम होने से खुशी मना रहा, बुर्बक कहीं का। अरे आप क्या लिख रहे हो, देखना कहीं उसके गुनाह का सजा हमको मत दे देना। साला नालायक कहीं का। अच्छा तो ठीक है जस्सा, चलता हूँ। हाँ अबे सुअर, कहीं का कहीं शादी में आया है, मिठाई उठाई खा लिया, अब घर जा रहा है। अभी फैसला तो सुनाने दे। अरे तो सुनाओ ना, पता नहीं एक एक घंटा करते रहते हैं। वकील जी, ये बंदर छाप बैंक लूटा है, इसका कोई ठोस सबूत है आपके पास? हाँ माई बाप सबूत था। है सबूत था, इसका क्या मतलब, अभी नहीं है? माई बाप वो गुम हो गया है। गुम हो गया? हे भगवान, ये सुनने से पहले मैं बहरा क्यों नहीं हो गया, कैसे गुम हो गया? यस साहब हम बताते हैं, आज ये घर से आ रहे थे ना कोर्ट, तो रास्ते में ये छोले भटूरे खाने लगे और एक लड़का इनका बैग लेके भाग गया, क्या ये सही है? हाँ माई बाप। अरे यार ये तो टेंशन में डाल दिया, अब कैसे इसे दिलाओगे सजा? केस डिसमिस। ए जाओ तुम बरी हो गए जाओ। क्या? मैं नहीं मानता। ना लायक कहीं का फांसी का सजा सुनाऊं तब मानेगा? तुम्हें इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि तुम पे जो बैंक से पैसे चुराने का आरोप लगा था वो सिद्ध नहीं हो पाया। कसम से, तब तो माई बाप पैसे भी मेरे हुए ना? हाँ हाँ बिल्कुल, तो अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि कोई ठोस सबूत ना होने के कारण ये जो कटघरे में बंदर छाप लड़का खड़ा है इसे रिहा किया जाए और इसके पैसे इसे दिया जाए। अरे पुलिस वाले अंकल, आप क्या सोच रहे हो, लाओ पैसा दो। हाँ पहले से मैं बोल रहा था कि ये मेरा ही पैसा है। अच्छा ठीक है अंकल, चलता हूँ, फिर मिलूंगा।